एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में दिल्ली आ रहे पंजाब के किसानों की वजह से उत्तर भारत में कोहराम मच गया। पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों की ओर जाने वाली सड़कों पर आवागमन ठप है। हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए कई जगह सीमाओं को सील किया। ये पहली बार नहीं है जब किसानों के गुस्से का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2020 में भी किसान इसी तरह का आंदोलन कर चुके हैं। उससे पहले इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी किसान आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलनरत किसान एमएस स्वामीनाथन आयोग की एमएसपी पर की गई सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। नवंबर 2004 के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों की समस्याओं के अध्ययन के लिए मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कहा गया था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक इस कमेटी ने सरकार को 6 रिपोर्ट सौंपे। इनमें कई सिफारिशें की गई। चलिए आपको बताते हैं कि C2+50% फार्मूला आखिर है क्या। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें उनकी फसल लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की। इसे C2+50% फार्मूला कहा जाता है। आंदोलनकारी किसान इसी फार्मूले के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग ने इस फार्मूले की गणना करने के लिए फसल लागत को 3 हिस्सों यानी कि A2, A2+FL और C2 में बांटा। A2 लागत में फसल की पैदावार करने में सभी नकद खर्चे को शामिल किया जाता है। इसमें खाद, बीज, पानी, रसायन से लेकर मजदूरी आदि सभी लागत को जोड़ा जाता है। A2+FL कैटेगरी में कुल फसल लागत के साथ साथ किसान परिवार की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में नकदी और गैर नकदी लागत के अलावा और जमीन का लीज रेंट और उससे जुड़ी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत को 1.5 गुना यानी C2 लागत के साथ उसका 50% खर्च जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.